आप सभी को स्वागत है केटीसीसी क्लासेस में। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है और बाकी क्वेश्चन हमने अपलोड कर चुके हैं और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत हो जाती है, लेकिन इसमें सबसे सरल होगा। जैसे ये दे रखा है 15 cot a = 8, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये चीज मल्टीप्लाई में मानी जाएगी, ठीक है। तो cot a = क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा यहाँ पर, 8/15, ठीक है। अब पंडित बद्री प्रसाद से यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। अब देखिए यहां से कॉट का फॉर्मूला हमारा क्या निकलेगा, कॉट नीचे है तो b/p, ठीक है, b/p, तो ये हो गया b/p। b कितना हो गया हमारा 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 15, ठीक है। यहां से पहले इसमें डायग्राम बनाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमारा बेस कितना है 8 है और परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइट को ही कहते हैं, 15 हो गया, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो पाइथागोरस से निकालेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें कितना होगा AC, बेस हमारा कितना है 8² प्लस परपेंडिकुलर कितना है 15², ठीक है। तो 8² कितना होगा 64, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 239, ठीक है। अब ये आ गया AC² इज, यहाँ पर भी आप ध्यान देना कि जैसे स्क्वायर है तो ये अगले नंबर पे आके इसकी वैल्यू वहां पर शिफ्ट हो गई। कई बच्चे गलती करते थे स्क्वायर लग देते हैं और स्क्वायर रूट भी, तो ये ऐसे करके यहाँ पर अब गायब हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 279 किसका होता है, 289 सॉरी, ये होता है हमारा 17 का। तो AC यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारे कितना आ गया 17, तो हम यहाँ पर 17 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप हाइपोटेन्यूज हमारे कितना आ चुका है 17 आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए, ठीक है। तो साइन ए की फॉर्मूला पहले लिखेंगे यहाँ पर p/b, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा p/h है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 15 और हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी है 17, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 15/17। दूसरा हमारे अब हम निकालते हैं सेक ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई थी। तो सेक का फॉर्मूला देखिए हमारा कितना है, ऊपर सेक का फॉर्मूला हमारा सेक नीचे है ना बीच में h/b, ठीक है, h/b। तो हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी है 17 और बेस कितना है हमारा, बेस देखिए 8 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेक्शन सेक ए का आंसर है 17/8। और अगले क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।